हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको बताया था। एसिटाल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, या इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CHO भी लिखते हैं। आज इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में हमने इसका प्रिपरेशन मेथड या लैब मेथड और इसके यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, पहला रिएक्शन है इसका रिडक्शन। जब हम एसिटाल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करते हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन निकिल एनआई कैटालिसिस की प्रेजेंटी में इसे हीट करते हैं। ओके, हीट करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या बन जाता है, ये H इसके पास चला जाता है, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH, और ये H और आएगा यहां, तभी ये बैलेंस होगा। या इसको हम मिला के लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है हमारा जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा रिएक्शन, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे इरेज करते हैं। ओके, रिएक्शन विद, दूसरा नंबर लिखते हैं इसका रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है हमारा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ करते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। देखें रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O प्लस HCN। ओके, इसको हीट कर दें तो H तो OH के पास चला जाएगा, CN NC के पास चला जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड NC, तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हमारा बनता है जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ करते हैं। तो अब अगला रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। थर्ड रिएक्शन होगा ये हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन होता है जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं, तो ऑक्सिल का फॉर्मेशन होता है। एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिल का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा
देखें रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं। थोड़ा सा सीधा करके लिख दे रहे हैं इसे, तो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूलर आउट हो जाता है और ये यहां अटैच हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा ऑक्सिम का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एसिटाल्डिहाइड से ऑक्सिम कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है। अगला रिएक्शन करते हैं सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन, सोडियम बाई सल्फाइड रिएक्शन में इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला रिएक्शन है आपका सोडियम बाई सल्फाइड, फोर्थ रिएक्शन आपका सोडियम NaHSO3 सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन, तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है इसमें। देखो रिएक्शन लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, NaHSO3, ये एच ओ के पास पहुंच जाता है, बाकी ये बचता है वो सी से मिल जाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड क्या बनाएगा, SO3 Na, ओके बचेगा इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड बन जाता है आपका, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, आप इसको अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखो फोर रिएक्शन हो गई, अगला रिएक्शन लिख लेते हैं हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन N2H4 होता है ये रिएक्शन विद NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन होता है ये हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका NH2CO NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखिए रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, एक वाटर ये यहां से आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, ये तुम्हारा एल्डिहाइड हाइड्रेजोन बन जाता है, हाइड्रेजोन एसिटाल्डिहाइड
हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थे, हमने डिस्कस इनको कर दिया है, अब इनके यूज को डिस्कस करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं। ओके, देखें अब इसके यूज की बात करते हैं। यूज सबसे पहला, एल्कोहल के फॉर्मेशन में, एल्कोहल के फॉर्मेशन में। दूसरा क्या है, ऑक्सिम के फॉर्मेशन, ऑक्सिम के फॉर्मेशन में। तीसरा क्या बनता है हमारा, तीसरा बन जाता है साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन में। ओके, और हाइड्राजोन के फॉर्मेशन, हाइड्राजोन के फॉर्मेशन में, हाइड्राजोन के फॉर्मेशन सन। ये आपके इसके यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड था, आज हमने इसको डिस्कस कर दिया है। अगले लेक्चर में अगले कंपाउंड के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से बात करें, ठीक है। आप रेगुलर चैनल पर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, बाय।